पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की एक दिन पहले यानी कि 17 मार्च को हुई मुलाकात का कोई नतीजा सामने नहीं आया है। 17 मार्च को दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई थी, तब माना जा रहा था कि दोनों के रिश्तों के बीच जो बर्फ जमी है वह पिघल जाएगी, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा सामने नहीं आया है। जहां सिद्धू पूरी तरह खामोश हैं, वहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को हम अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। वीरवार को मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के परिवार के साथ मेरे गहरे रिश्ते हैं, उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ही हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विभिन्न मुद्दों से जुड़े सवालों के खुलकर जवाब दिए। उन्होंने कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ किसी आतंकी गतिविधि की इजाज़त नहीं दी जाएगी, किसी खालिस्तानी आंदोलन को इजाज़त नहीं दी जाएगी, हम पाकिस्तान को घुसपैठ नहीं करने देंगे, मैं ऐसे किसी भी आंदोलन की कमर तोड़ दूंगा। आइए आपको हम बताते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच कब कब तनाव हुआ और वो मौके क्या थे। ऐसे 7 मौके आए जिन कारणों के चलते दोनों दिग्गज नेता एक दूसरे से दूर होते गए। हालांकि भाजपा से जब सिद्धू छोड़कर आए थे भाजपा को, तब कांग्रेस में शामिल हुए थे, तो वह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के माध्यम से ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। बहुत से नेता ये नहीं चाहते थे कि सिद्धू कांग्रेस में आए, क्योंकि उन्हें भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद दूसरी लाइन का तेज तर्रार नेता माना जाता है। पहला मौका था जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शपथ ग्रहण समारोह में नवजोत सिंह सिद्धू को शामिल होने का न्योता दिया। हालांकि कैप्टन नहीं चाहते थे कि सिद्धू पाकिस्तान जाएं, लेकिन सिद्धू वहां पर चले गए। इसके बाद हैदराबाद में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों की ओर से पूछे गए सवाल में सिद्धू ने कहा था कि मेरे कैप्टन तो राहुल गांधी हैं, उन्होंने ही तो मुझे हर जगह भेजा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह मेरे बॉस हैं और राहुल गांधी कैप्टन। दूसरा मौका था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में सिद्धू गए और वहां पर उन्होंने पाकिस्तानी फौज के जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ जफ्फी भी डाली। ये जफ्फी बहुत चर्चा का विषय बनी। भाजपा ने भी इस जफ्फी को लेकर कई टिप्पणियां की और कहा था कि ISI और आर्मी चीफ दोनों एक ही होते हैं, सिद्धू उनसे जफ्फी डाल रहे हैं जबकि ISI के हाथ हमारे जवानों के खून से रंगे हुए हैं। तीसरा मौका तब आया नवजोत सिंह सिद्धू वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में अपनी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू को चंडीगढ़ से उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली। तब ऐसी बातें सामने आईं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस पंजाब की इंचार्ज आशा कुमारी ने डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू को चंडीगढ़ से टिकट नहीं लेने दी। हालांकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाद में स्पष्ट किया था कि चंडीगढ़ की सीट पंजाब के खाते में नहीं, इसलिए किसी को टिकट देना या ना देना उनके बस का नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू ने वर्ष 2019 में पंजाब में लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचार करने से दूरी बना ली थी। इल्जाम ये लगा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वे अपने दम पर पंजाब की 13 में से 13 लोकसभा सीटें जीत लेंगे, इसलिए यहां पर सिद्धू की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि बाद में प्रियंका गांधी के साथ सिद्धू पंजाब में प्रचार करने के लिए आए थे। पांचवा मौका लोकसभा चुनावों के दौरान सिद्धू ने बठिंडा चुनाव रैली में गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के कर्मियों को सजा ना दिलाए जाने के पीछे कहा था कि मामले में कुछ कांग्रेसी नेताओं का अकाली नेताओं के साथ फ्रेंडली मैच चल रहा है। इस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि सिद्धू उनका स्थान लेना चाहते हैं। छठा मौका लोकसभा चुनावों के बाद पंजाब में कांग्रेस को 8 सीटें मिली, तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि लोकल बॉडी विभाग की ओर से सही काम ना किए जाने पर ही कांग्रेस को पंजाब में नुकसान हुआ, नहीं तो सभी सीटें जीती जा सकती थी। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ही तब स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री थे, जिस पर सिद्धू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि जहां से कांग्रेस को 8 सीटें मिली हैं क्या वहां पर शहर नहीं आते हैं। सातवां मौका था 6 जून वर्ष 2019 में नवजोत सिंह सिद्धू को स्थानीय निकाय विभाग से हटाकर उन्हें बिजली विभाग सौंप दिया गया, लेकिन सिद्धू ने बिजली मंत्री बनने से इनकार कर दिया और 10 जून 2019 को अपना इस्तीफा राहुल गांधी को भेज दिया। ये थे तमाम जब नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में दूरियां बढ़ी। अब 2 बार उनकी मुलाकात हो चुकी है। पहली मुलाकात उनकी हुई थी पिछले वर्ष 25 नवंबर को और दूसरी मुलाकात हुई है 17 मार्च 2021 को।
ऐसी चर्चा है कि इस मुलाकात को करवाने के पीछे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत का अहम भूमिका है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों में एक साल से भी कम समय बचा है और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सिद्धू जहां पंजाब में प्रचार करें कांग्रेस के पक्ष में, वहीं दूसरे राज्य जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर भी सिद्धू को प्रचार के लिए भेजा जाए। लेकिन अभी तक दोनों में क्या बातचीत हुई कुछ सामने नहीं आ सका है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ दिनों में साफ हो जाएगा कि सिद्धू को उनके विभाग लौटाए जाते हैं या उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाता है या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हें बिजली विभाग देने पर ही अड़े हुए हैं।